हर वापसी जिसको आज हम लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का नारा, नो, ये कांग्रेस का नारा था हर वापसी का। संविधान तो 10 अगस्त 1950 को ही खतरे में आ गया था, जब इस पवित्र संविधान। इसमें काला धब्बा लग गया तो ये लिख दिया गया कि ये सुविधा केवल हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले दलितों को ही दिया जाएगा, जबकि ऐसा 1949 में नहीं था, 1936 में भी नहीं, ड्राफ्टिंग से लेकर एंड तक यानी 26 नवंबर 1949 तक इस तरह की कोई भी बात भारतीय संविधान में न थी और न इसकी गुंजाइश हुई। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित नेहरू जी ने अपने उसी मनुवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस पर एक धब्बा लगाया और उसके बाद केवल इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को नहीं बल्कि बौद्धिज्म और सिखिज्म को भी निशाने पर लिया और उसमें ये लिख दिया गया कि ये सुविधा केवल और केवल सिर्फ हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले दलितों को दिया जाएगा। ऐसे में सरदार तारा सिंह ने हंगामा शुरू किया और 6 वर्षों के उनके जद्दोजहद के बाद, 6 वर्षों की मेहनत और लड़ाई के बाद 1956 में सिख को इसमें वापस इंक्लूड कर लिया गया, जोड़ लिया गया। उसके बाद बौद्ध मैदान में आए, तमिलनाडु केरल से ये लड़ाई शुरू हुई और मद्रास हाईकोर्ट तक गई। हाईकोर्ट में ये मुकदमा हार गए बौद्ध पक्ष के लोग, लेकिन लड़ाई जारी रही। अंतोगत्वा 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में और रामविलास पासवान जी की दखल से बौद्ध कम्युनिटी को भी इसमें शामिल कर लिया गया, यानी के जो प्रतिबंध 1950 में लगा था उसमें 2 बार अमेंडमेंट हुआ, 56 में और 90 में। एक बात दरमियान में और भी जानना जरूरी है, 23 जुलाई 1959 को उस समय की कांग्रेस की सरकार ने एक अमेंडमेंट किया और ये लिखा कि यदि आपको ये सुविधा चाहिए तो आप यहाँ आ जाइए। मतलब आप समझ रहे हैं, हर वापसी जिसको आज हम लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का नारा, नो, ये कांग्रेस का नारा था हर वापसी का। ये वधत्ता लीगल वे बनाया गया 1959 में, वधत्ता इसके लिए मैंने एडिशनल शब्द कहे गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के पवित्र संविधान में जहाँ अनुच्छेद 14 कहता है कि संविधान की दृष्टि में सभी लोग एक समान हैं, जहाँ अनुच्छेद 15 कहता है कि संविधान किसी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा, जहाँ अनुच्छेद 16 कहता है कि कोई भी सरकारी योजनाओं में धर्म को आधार नहीं बनाया जाएगा, तो फिर आरक्षण देने और लेने में धर्म को आधार क्यों बनाया गया? ये एक बड़ा सवाल है। और उसको लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा 1994 में जब बौद्ध को इंक्लूड कर लिया गया, तब यह सवाल पैदा हुआ कि आपने सिख और बौद्ध को जब जोड़ा है तो भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक जो है और उसके जो सबसे बड़ी आबादी है दलित मुसलमानों की, अब जब दलित मुसलमान कहते हैं तो हम लोगों की लड़ाई में पहले मुसलमानों से ही लड़ाई हुई, मुसलमानों ने कभी दलित शब्द सुना नहीं था। आज नेशनल चैनल पर भी डिबेट चल रहे हैं, आज बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट कमेंट्स कर रहा है, आज सरकार को हलफनामा देना पड़ रहा है। यह ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की लगातार निरंतर मेहनतों और संघर्षों का नतीजा है। मैं बधाई दूंगा आप लोगों को भी, पिछले 7-8 वर्षों से आपके चैनल और तमाम आप जैसे लोगों ने कवरेज दिया है, मुद्दे को उठाया है, जिसके कारण भी ये मुद्दा इतना शब्द का है। दलित शब्द का मुसलमानों ने सुना नहीं था, दलित शब्द का विरोध किया, मैं बता रहा हूँ, सुना ही नहीं, दलित शब्द का विरोध किया। लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब सवाल पैदा हुआ कि आरक्षण तो वहाँ भी मिलेगा ओबीसी में 340 में, तो मंडल कमीशन में मुसलमानों के उन बिरादरियों को शामिल किया गया। सवाल पैदा हुआ कि जब सामान्य वर्ग का मुस्लिम होगा, जब ओबीसी का मुस्लिम होगा और जब एसटी का मुस्लिम होगा, जो कि लक्षद्वीप से मतलब चुनाव में लड़कर आते हैं पीएम सईद के लड़के, वो एसटी के लिए सुरक्षित सीट है, तो एसटी होंगे यानी कि 342 में होंगे, 340 में होंगे, सामान्य में होंगे, ईडब्ल्यूएस जो मोदी जी ने अभी दिया है एडिशनल उसमें भी होंगे, यानी इन तमाम वर्गों में जब धर्म नहीं है तो केवल 340 के 341 में ही धर्म का प्रयोग क्यों किया गया? ये एक बड़ा सवाल है और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ने अब गंभीरता से ली है।
सुप्रीम कोर्ट के सरकार के से जो जवाब मांगा था उसके कारण सरकार ने केजी बालाकृष्ण जो कि एक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। 2 वर्षों की समय सीमा दी गई है। आज के इस संविधान दिवस के धरने के माध्यम से ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री को भी हम लोग मेमोरेंडम भी देंगे। हम ये मांग करते हैं कि आप इनकी जो समय सीमा 2 वर्ष है उसको 1 वर्ष करें। इनके जो सदस्य हैं 2 केवल बनाए गए हैं, उसमें 2 दलित मुस्लिम वर्ग के सदस्य भी जोड़े जाएं और जैसे फास्ट ट्रैक पर काम किया जाता वैसे इस पर तेजी से काम हो और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने दें या फिर सदन में ही स्वयं संविधान सत्र में कुछ विकास वाले हैं, सबके विश्वास वाले हैं, जो आप मांग कर रहे हैं वाले ठीक है, जो सारी मांग कर रहे हैं जो आप सारी मांगे कर रहे हैं लेकिन संविधान तो खतरे में बताया जा रहा है, तो ये मांगे पूरी कैसे? संविधान तो 10 अगस्त 1950 को ही खतरे में आ गया था। हाँ। जब इस पवित्र संविधान पर आप धर्म लिख देंगे जो संविधान कह रहा है कि धर्म कोई धर्म का मामला नहीं, हमारे यहाँ धर्म के आधार पर न लेंगे न देंगे, न धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे, न जुडिशियरी होगी धर्म के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न नौकरी होगी धर्म के आधार पर, न चुनाव होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में सब कुछ धर्म धर्म ही होना शुरू हो गया और कॉमनल पॉलिटिक्स सर चढ़कर बोलने लग गया। हम कॉमन पॉलिटिक्स की बात करते हैं लेकिन राजनेता कॉमनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं और यही कॉमनल पॉलिटिक्स संविधान को कमजोर करता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि संविधान के अंदर जो छेड़छाड़ हुआ है और उसमें जो धर्म शब्द जोड़ा गया है पहले उसको रिमूव किया जाए, उस काले धब्बे को पहले हटाया जाए, तभी जाकर इस लड़ाई में बल मिल पाएगा। एक तरफ जो लोग कहते हैं संविधान बचाओ, जो लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं खुली बात कर रहा हूँ, विशेषकर SC वर्ग के नेताओं से मैं कहता हूँ, आपके दिमाग में RSS ने ये भर दिया कि अगर SC यानी 341 में मुस्लिम शामिल होगा तो हमारा फिर क्या होगा। आप कम से कम करुणानिधि और कर्पूरी ठाकुर से तो सीख भी सकते थे, मुस्लिम शामिल होगा तो दलित शक्तियों का एकीकरण होगा, दलित शक्ति बढ़ेगी आपकी। और 15% किसने कहा, 15% कौन है 15% बोलने वाला? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 49% कहा था तो आज 49% मिल रहा है क्या? 59 हो गया या नहीं हुआ बताइए, किसने किया 59? सरकार ने। तो सरकार में तो हम आने के लिए खुद तैयार है लेकिन हमारे ही लोग बिदक रहे हैं, धरना भी करते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में और जो खतरे में डाल रहा है उसी को मजबूत भी कर रहा है। तो दोनों तहां से ताली ऐसे नहीं बन सकती। आप देखिए संविधान में इतनी संभावनाएं हैं इन वर्गों के लिए कि यदि मिलजुल कर हम लड़े तो हम हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ टूट फूट इतना ज्यादा डाला गया है, जब से सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट आया है और केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है, हमें TV चैनलों पर भी हमारे SC समाज के लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लीडर कह रहे हैं मैं तो इसका विरोध करूंगा, मैं तो होने नहीं दूंगा। मैंने कहा आपने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं, आपने कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा ही नहीं, आपने करुणा निधि को पढ़ा ही नहीं। अब आखिर मध्य क्या कहते हैं तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन मिल रहा है, कर्पूरी फार्मूला पर अगर जाएं तो 80%। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जब इंदुराज बनेगा, इसकी मांग हो रही है। हम संविधान नहीं हो तो फिर देश की कल्पना क्या करें, देश तो टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे। तो ये कभी नहीं हो सकता, तैयारी तो कर रहे हैं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये कभी नहीं हो सकता कि इस संविधान ने पूरे देश को एक मोती की तरह तस्बीह में माले में जोड़ कर रखा है। ऐसे पवित्र संविधान को कोई समाप्त करने की बात करता है वो बड़ा शब्द है। हाँ, हमारे लोगों को इसलिए सतर्क सजग सावधान होने की आवश्यकता है, अध्ययन और अधिक करने की आवश्यकता है और सच्चाई को तह तक जाकर जानने की जरूरत है।